जुनून के आगामी एपिसोड्स में एक और रोमांचक मोड़ आने वाला है, जहां आदि ने काव्या और विक्की के खिलाफ एक नई चाल चल दी है। आदि, जो हर बार अपनी शातिर चालों से काव्या को मात देने की कोशिश करता रहा है, इस बार उसने काव्या और विक्की को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आदि विक्की को भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए अपने पुराने रिश्तों और यादों का सहारा लेता है। वह विक्की को अपने शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है ताकि विक्की काव्या का साथ छोड़ दे। आदि विक्की को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह कभी भी काव्या के प्यार के काबिल नहीं हो सकता और उसे इस चुनावी जंग से पीछे हट जाना चाहिए। विक्की, जो काव्या से बेइंतहा प्यार करता है, आदि के इस भावनात्मक ब्लैकमेल के जाल में फंसता हुआ नजर आता है। इधर आदि काव्या के सामने भी अपने चाले चलना जारी रखता है। वह काव्या को सीधा चुनौती देता है कि अब वह कुछ भी कर ले, वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आदि के इन शब्दों ने काव्या को और भी गहरे संकट में डाल दिया है। काव्या, जो हमेशा से आदि की चालों का सामना बहादुरी से करती आई है, इस बार खुद को बेहद बेबस महसूस करती है। काव्या के लिए यह समय बेहद कठिन है। वह एक तरफ अपने उसूलों और सच्चाई के लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ विक्की, जिसे वह इस लड़ाई में अपना सबसे बड़ा साथी मानती थी, अब खुद ही भावनात्मक दबाव में आकर कमजोर पड़ता दिख रहा है। आदि ने बड़ी ही चालाकी से काव्या और विक्की के बीच की इस स्थिति का फायदा उठाते हुए उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की है। काव्या, जो आदि के हर चाल को अब तक नाकाम करती आई थी, इस बार खुद को इन भावनात्मक बंधनों में फंसा हुआ पाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह कैसे इस जाल से बाहर निकले और विक्की को भी इस जाल से बचाए। लेकिन काव्या हार मानने वाली नहीं है। वह जानती है कि उसे अपनी ताकत और साहस का सहारा लेना होगा और अपने साथी विक्की को भी इस भावनात्मक ब्लैकमेल से बाहर निकालना होगा। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि काव्या इस नई चुनौती का सामना कैसे करती है। क्या वह आदि के इस भावनात्मक ब्लैकमेल के जाल से खुद को और विक्की को निकाल पाएगी? क्या वह आदि को उसकी इस चाल का मुंहतोड़ जवाब देने में सफल हो पाएगी? कहानी में यह मोड़ दर्शकों को रोमांचित करने वाला है, क्योंकि काव्या और आदि के बीच की यह लड़ाई अब और भी अधिक जटिल और गंभीर होती जा रही है। क्या काव्या अपनी सूझबूझ और हिम्मत से इस बार भी जीत हासिल कर पाएगी, या फिर आदि की यह चाल उसे कमजोर कर देगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए काव्या एक जज्बा एक जुनून के साथ, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और मनोरंजक होने वाली है।